गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों, तो लाए हैं आपके लिए सुबह की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। नाबार्ड की सौगात, 15 सड़कों को मंजूरी, 123 करोड़ से होगा 98.81 किलोमीटर सड़कों का निर्माण। नाबार्ड में प्रोजेक्ट की मंजूरी का सिलसिला लगातार जारी है। एक महीने में दूसरी खेप विभाग के पास पहुंच गई है। इस खेप में 15 ग्रामीण सड़कों को मंजूरी मिली है। 123 करोड़ रुपए से इन सड़कों का निर्माण होगा। इससे 98.81 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें 10% राज्य सरकार की हिस्सेदारी होगी और राज्य को करीब 12.30 करोड़ रुपए चुकाने होंगे, जबकि 111 करोड़ रुपए ऋण के तौर पर PWD को नाबार्ड के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन 15 प्रोजेक्टों में सबसे ज़्यादा आधा दर्जन प्रोजेक्ट मंडी के हिस्से आए हैं, जबकि कांगड़ा और कुल्लू को 3-3, चंबा, हमीरपुर और सिरमौर को 1-1 प्रोजेक्ट मिला है। इन प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी औपचारिकताएँ PWD आगामी एक महीने में पूरी करेगा। हिमाचल में 10 माह में 73 हत्याएं, 296 बलात्कार और 443 महिला छेड़छाड़ के मामले दर्ज। हिमाचल प्रदेश में 10 महीनों में ही 73 हत्याएं, 296 बलात्कार एवं 443 महिला छेड़छाड़ के कुल 812 मामले दर्ज किए गए हैं। करसोग के विधायक दीपराज के अतरंकित प्रश्न के उत्तर में CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि उक्त मामलों में संलिप्त 1028 आरोपियों को पकड़ा गया है। वो 551 मामलों में संलिप्त 801 आरोपियों के विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश किया गया। मंडी के वास्तुकार RP वैद्य को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार। भारतीय कंक्रीट संस्थान AICIA ने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में मुख्य वास्तुकार के तौर पर कार्यरत रहे मंडी के राजेंद्र पाल वैद्य को आर्किटेक्ट क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा है। शिमला में संपन्न समारोह में उनका यह पुरस्कार उनके बेटे अमित वैद्य ने हासिल किया, क्योंकि RP वैद्य इन दिनों अस्पताल में उपचाराधीन है। ASI और हेड कांस्टेबल निपटाएंगे चालान, परिवहन विभाग ने MB एक्ट में किया संशोधन, अधिसूचना जारी। प्रदेश में अब ASI और हेड कांस्टेबल भी वाहनों के चालानों का निपटारा कर सकेंगे। परिवहन विभाग द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया है, जिसमें परिवहन विभाग के MVI ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी चालानों का निपटारा कर सकेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन से वाहन चालकों को भी चालान का भुगतान करने में आसानी होगी। वहीं प्रदेश में पेंडिंग पड़े हजारों चालानों का भी जल्द निपटारा हो पाएगा। इससे पहले पुलिस विभाग में SI रैंक के ऊपर के अधिकारियों को चालान निपटारा करने की पावर दी गई थी। एक हिमाचली होने के नाते मैं शर्मिंदा हूँ। एक हिमाचली के नाते मैं शर्मिंदा हूँ, यह शब्द पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और जनता के लिए यह एक बहुत बड़ी चिंता और शर्म की बात है कि 14 वर्ष पहले धर्मशाला के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत केंद्रीय विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हुआ। पूरे भारत में इस प्रकार का कोई नालायक प्रदेश नहीं है जहां भारत सरकार ने विश्वविद्यालय दिया हो और भवन का निर्माण कार्य भी शुरू ना हो। सभी प्रदेशों में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने अपने भवनों में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। कुमार ने कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने में एकमात्र रुकावट यही है कि हिमाचल सरकार का 30 करोड़ रुपए जमा नहीं हुआ है। 30 करोड़ रुपए की कमी के कारण इतना महत्वपूर्ण काम रुका हुआ है, यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। रिटायर्ड पटवारी कानूनगों को दोबारा नौकरी, कामों को तेजी देने के लिए सरकार करेगी तैनाती। हिमाचल सरकार राजस्व संबंधी कामों को तेजी देने के लिए रिटायर्ड पटवारी कानूनगों और नायब तहसीलदार को दोबारा काम दे रही है। इनकी री एंगेजमेंट की जाएगी। विधानसभा के विंटर सेशन के दौरान धर्मशाला में आज शाम कैबिनेट की बैठक रखी गई है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। इस बैठक में कई बड़े फैसले हो रहे हैं।
राजस्व विभाग की तरफ से यह मामला लाया जा रहा है कि रिवेन्यू में रिक्त पदों को भरने के लिए कुछ समय अवधि के लिए रिटायर्ड पटवारी कानूनगो नायब तहसीलदार की सेवाएं ली जाए। इससे पहले वर्तमान कर्मचारियों को ही रिलैक्सेशन देकर प्रमोशन देने का प्रस्ताव था, जिस पर वित्त विभाग की आपत्ति के बाद फैसला नहीं हो पाया था। राजस्व विभाग की तरफ से स्टाम्प एक्ट में भी दूसरा संशोधन हो रहा है। छात्रवृत्ति चाहिए तो 8 जनवरी तक करें आवेदन, छठी सातवीं आठवीं कक्षा तक मिलेगी स्कॉलरशिप। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पाँचवीं कक्षा में नियमित रूप से पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। सभी स्कूलों के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जनवरी निर्धारित की गई है। दो चरणों की चयन प्रक्रिया में योजना के तहत प्रदेश भर से जिलेवार कोटा के अनुसार 100 मेधावी छात्रों को शीर्ष मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। यह स्कॉलरशिप छठी सातवीं व आठवीं कक्षा तक मिलेगी। पहले चरण की परीक्षा 25 फरवरी 2024 को प्रदेश भर के विभिन्न 400 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जानी है। हिमाचल में टूरिस्ट सीजन में पर्यटक स्थलों पर 24 घंटे खुली रख सकेंगे दुकानें, नहीं होगी कोई बंदिश। हिमाचल में विंटर टूरिस्ट सीजन में पर्यटक स्थलों पर कारोबारी 24 घंटे दुकान खुली रख सकेंगे। चाहे खाद्य वस्तुओं की दुकानें हो या अन्य मल्टीपर्पज स्टोर, यदि कारोबारी दुकान खुली रखना चाहते हैं तो उन पर कोई बंदिश नहीं होगी। यहां तक कि शराब ठेके भी इस शेड्यूल का पालन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह आदेश टूरिस्ट सीजन को देखते हुए दिए हैं और इन्हें 20 दिसंबर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक लागू किया जाएगा। इस बारे में विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री ने पिछले कल फाइल साइन की है। सीएम सुक्खू बोले, कोरोना काल में रखे आउटसोर्स कर्मियों को अगली भर्तियों में देंगे प्राथमिकता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नौकरी से बाहर किए गए कोरोना काल में आउटसोर्सिंग पर रखे कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में आगामी समय में होने वाली भर्तियों में प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इन कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखती है, लेकिन पूर्व सरकार ने बिना कोई नीति या नियम बनाए इन कर्मचारियों को रखा था। ऐसे में अफसर भी बिना नियम इन कर्मचारियों को नौकरी पर रखने से घबरा रहे हैं। वहीं सरकार नौकरी से बाहर किए गए इन आउटसोर्स कर्मचारियों को भर्ती निकलने पर अतिरिक्त अंक देने की व्यवस्था पर विचार करेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच मंत्रिमंडल की बैठक आज, जानिए क्या निर्णय लेगी सरकार। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक होगी। दूसरे दिन की कार्यवाही के बाद होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश सरकार के दो नए मंत्री राजेश धर्माणी एवं यादवेंद्र गोमा भी पहली बार भाग लेंगे। वहीं बैठक में विधानसभा में लाए जाने वाले संशोधनों को मंजूरी प्रदान की जा सकती है। इसके तहत मानसून के कारण आई प्राकृतिक आपदा से सबक लेते हुए छोटे कस्बों को टीसीपी के दायरे में लाने संबंधी संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की जा सकती है, ताकि निर्माण कार्य सुनियोजित तरीके से किया जा सके। इसके लिए साड्डा के क्षेत्र में आने वाले कस्बों को शामिल किया जा सकता है। तो ये रही प्रातः की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।